हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? सब बेटे क्या? तो आज के व्लॉग हम करते हैं स्टार्ट। काजल लगा रहे थे, लोगों से चाहते हैं माजरत क्योंकि इतने दिन हो गए आप लोगों से, क्या उसका नाम व्लॉग शेयर नहीं किया। आज काफी दिनों के बाद हम आए, बस थोड़ा सा मसला बन गया था, परेशानी घर में बन गई थी, इसी वजह से आप लोगों से शेयर नहीं कर सके। क्योंकि मेरा जो चैनल है आप लोगों को इसी तरह इस पे व्लॉग मिलते रहेंगे। तो अभी क्या बनाने लगे हैं हम, क्या शेयर करने लगे हैं आप लोगों से, चलते वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। आओ सोनी दिखाते हैं। क्या बनाने लगे? ये क्या था? अभी हम बनाने लगे हैं कोरमा, तो चलती वीडियो में जो है ना आप लोगों को पता चल नहीं जाएगा, चल गया क्योंकि हमने बता दिया है। तो अभी आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, अभी मैं स्टार्ट काम करने लगे तो मिलते हैं। है लड्डू, क्या हुआ? डांट रही है कि शोरबा ही डाल रहे हैं, तो ये कह रही है कि सब जो है ना। तो चलिए जी, हम लोग आगे हैं ऊपर, और नीचे थोड़ा अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया था ना सोनी जी। हाँ जी, अंधेरा बहुत, क्योंकि वो ना हमारी लाइट को पता नहीं क्या हुआ, बरामदे वाली है ना सोनी। हाँ, सेन वाली लाइट। हाँ, सेन वाली जो लाइट है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा मसला हुआ। आपने दो कलर के दुपट्टे बेटा क्यों लिए हुए? आपने दिए मुझे, तो आपने दो। चलिए जी, यहाँ पे मसाला हमने रेडी कर लिया है, अभी हम लोग बस जैसे चूल्हा जलाते हैं आपको दिखाते हैं देर के बाद थोड़ी। तो यार, हमारी लाइट जाने के कारण तो हम बहुत परेशान हैं, अंधेरा आ रहा है वीडियो के अंदर, ये देखो। तो थोड़ा सा बन गया मसला, यहाँ पे सुमेरा ने प्याज ब्राउन किए थे और ये कल का सालन बचा। सुमेरा मन बोला ये वैसे सही है, यहाँ पड़ोसियों को दे दो, क्या कोई कोई जो नहीं खा सकता, मांगने वाले बहुत आते हैं उनको दे देना, फेंकना नहीं। नहीं सही है। और यहाँ पे सुमेरा चिकन पानी के अंदर रखी है, सिलेंडर निकाल रहे हो ना सोनी? मैंने ये कहा कि सिलेंडर पे बना लेती हूँ, क्योंकि ये है कि बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो अच्छी वीडियो नहीं बनेगी, क्योंकि इतने दिनों के बाद भी लोग अपने व्यूअर से शेयर कर रहे हैं तो कुछ नहीं होता। भरवाई किस लिए है? हाँ, तो अभी हम लोग बना रहे हैं कोरमा। कोरमा बना रही हो या नॉर्मल रेसिपी बनाओगे? नहीं, कोरमा बना रही हूँ। अच्छा, तो चलिए जी, हम लोग बनाने लगे हैं कोरमा देसी स्टाइल के साथ, जैसे कि हम लोग पंजाब में बनाते हैं। क्यों सोनी? हाँ सोनी, मैं बोलूँ जैसे पंजाब में बनाते हैं वैसे बनाएंगे ना जी। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी मुश्किल हो रही है मुझे। क्यों? क्योंकि अब उधर यहाँ पे हर चीज हमने पास रख ली है, तो अभी जैसे ही थोड़ा सा तबाही तो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे सुमेरा ने फ्राई करना शुरू कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले प्याज ब्राउन करके सुमेरा ने इसके अंदर ऐड किया चिकन, है ना सर? क्या है मोबाइल को, ये वाला मोबाइल लेने का सोच रहे हो? कौन सा? तो चलिए जी, यहाँ पे हमारी चिकन जो है ना, थोड़ी बहुत हमने इसको फ्राई किया है, और अभी इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्ची और क्या था सोनी, अदरक लहसुन, अदरक लहसुन का पेस्ट बना के हमने एक ही साथ सब कुछ इसके अंदर ऐड हम लोगों ने कर दिया है चिकन के अंदर। तो सही, अभी थोड़ा सा इसे फ्राई करते हैं मसाले को, तो फिर इसके अंदर जो है ना नमक मिर्च सब कुछ ऐड करेंगे। ये वो है कोरमा मसाला, दिखाओ। तो चलो जी, ये आ गया हमारा कोरमा मसाला ना सोनी, कोरमा मसाला और दही है। क्योंकि जितने अच्छे तरीके से इसे मिक्स करें ना, तो कोरमा उतना अच्छा बनता है। बिल्कुल। तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, रोटियां तो मैं उधर ही बनाऊंगी, क्योंकि रोटियां की कौन सा सोनी ने वीडियो बनानी है ना सोनी? हाँ, वीडियो रोटी की थोड़ी बनाएंगे। हाँ, रोटियां उधर ही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे तो सालन जल्दी से तैयार हो जाए, इसके बाद आपको दिखाते हैं हम थोड़ी देर के बाद। चलें जब भी हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं मसाला वसाला, सारा मसाला हरा गरम मसाला वगैरह ना सोनी, और ये इसके अंदर ऐड कर दिया हमने गरम मसाला, और क्या ऐड कर रहे हैं सोनी? काली मिर्ची और नमक मिर्ची। और इसमें आप हम जो मिर्ची कौन सी यूज करते हैं, कुटी हुई या पीसी हुई? मिक्स मसाले का ये होता है, उसमें गरम मसाला भी होता है, पिसा धनिया भी होता है, काली मिर्च भी होती है, मतलब और यहाँ पे चिकन हमारी देखो बहुत जबरदस्त लग रहा है, इसका कलर यार माशाल्लाह से। और परसों चौथ तो मैंने आपको मिक्रोनी बना के दी थी, लेकिन नहीं थी अच्छी बनी, नहीं थी ना अच्छी बनी? आज बहुत अच्छी बनी थी, आज बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन कोई बात नहीं,
कभी-कभी हो और यहाँ पे सामान ले रहे, सारा सामान देखो पास रहे, पकवान हरी मिर्ची और ये दही इसके अंदर ऐड किया, और उधर तो ये चिकन मसाला कोरमा मसाला सब कुछ पास था, इधर इसलिए पास रखा कि बार बार उठना आना पड़ेगा। चलो बस ब्लॉग साथ चल रहा है अभी हमारे, ये फ्राई करने के बाद क्या करोगे अभी? इसे फ्राई करने के बाद इसे ऐड करेंगे। ये कब ऐड करोगे अभी? इसे अच्छे तरीके से फ्राई करके जो उसके बाद मसाला वगैरह नमक मिर्च जो है कच्चा ना रह जाए। हाँ जी, मिर्च जो है ना गले को ना लगे। सही, चले तो चले जी। जहाँ तक मैंने आगे आपको बताया था कि अभी हमने इसमें कुछ खास ऐड नहीं किया, लेकिन ये ऐसे ही बहुत जबरदस्त लग रहा है ना, मसाला वगैरह मतलब हाँ। गरम मसाला, पीसी काली मिर्च और मिक्स मसाला सब कुछ ऐड कर दिया, बस अब इसमें एक चीज की कमी है जिसके साथ अब इसके अंदर हम लोग ऐड ये करेंगे, इसके हैं कोरमा मसाला, दही और बहुत सारी मतलब के क्या सुनी नहीं, बस कोरमा मसाला और दही है, कोरमा मसाला और दही सही है। अब इसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे, फिर उसके बाद कम से कम कितने टाइम के लिए? 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको दमे पे छोड़ देंगे, और मैं जो है ना आटा गूंद लूंगी। ठीक है, दमे पे छोड़ोगे ना? हाँ, तब तक लाइट भी आ जाएगी, फिर लाइट आएगी तो पानी लगा के बर्तन धोऊंगी। तो ये ले जी, ये हो गया इसके अंदर ऐड, ये ऊपर वालों का डब्बा है, नहीं तो ऐसे डब्बे हमारे तो है ही नहीं। अच्छा, ये ऊपर गई थी ना बनाने, इसमें इसमें डब्बा नहीं होता, बॉल होता है, इसको बॉल बोलते हैं हमारे उधर, डोंगा कहते हैं डोंगा। नहीं नहीं, इसको बोलते हैं बॉल, बॉल बॉल आप बोल बोलो अच्छा लगता है बंदा, वैसे तो हम डोंगा ही बोलते हैं, हम भी डोंगा इधर ले आप रहा, क्योंकि हम पंजाबी है ना, पंजाबी हैं तो इसलिए हम भी डोंगा ही बोलते हैं। तो ये ऊपर मैं बना रही थी ना, तो इसलिए फिर उधर ही मैंने मिक्स कर दिया, तो अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी आएगा। अब इसके अंदर होगा थोड़ा सा पानी इसके अंदर, इसके अंदर ताकि थोड़ी सी जो साइड पे जो मसाला वसाला वो भी ऐड हो जाए इसके अंदर। तो ये देखिए थोड़े दिनों के अंदर अंदर ही जो है ना आप लोगों से एक और रेसिपी शेयर करूंगी, जो अभी तक मैंने रेसिपी शेयर क्या सुनी ऐसे बताओ तो सही, आप गैस करें क्या मैं कह रही हूँ। मेरे हिसाब से आप इसके अंदर ऐड करोगे कड़ी, इसके अंदर शेयर करोगे? शेयर करूंगी व्यूअर्स से कड़ी ना? नहीं, कड़ी शेयर की ही है, पता है हमारी शादी को अभी 2 महीने हुए थे जब मैंने कड़ी बनाई। हाँ, और अब कितना टाइम हो गया? अब माशाल्लाह 1.5 साल, 1.5 साल हमारी शादी को हो गया। तो यहाँ पे अभी इसमें सुमेरा इसके लिए भी ऐड कर, सुमेरा इसको कितनी देर तक आप ऐसे छोड़ोगे मतलब ढक्कन दे के? 10 से 15 मिनट के बाद मिलते हैं आपसे दोबारा। तो यहाँ पे सुमेरा ने चीज़ें जो है ना सारी समेट दी है ना सर? हाँ, क्योंकि काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। अरे हमारे जो वो है ना क्या उसको बोलते हैं किराएदार, वो भी हमारे घर पे आके खाना क्यों बना रहे हो भाई हैं? बोलो, हंसने की बात नहीं बताओ। आपका गैस नहीं है तो गैस नहीं है, आप हमारे घर पे आके बनाओगे? चलो खैर, तो यहाँ पे सुमेरा ने जो है ना ऑलरेडी कोरमा हमारा तैयार हो चुका है, कैसा लग रहा है आप कमेंट करके लाजमी बताना है सनी? जी हाँ जी। तो अभी मैंने भी आटा गूंद के रखा, मैंने कहा तब तक मैंने खुद उसे आवाज़ लगाई, मैंने कहा सोफिया आप बना लो, मैं बाद में बना लेती हूँ, सोफिया जैसे बनाती है फिर मैं बाद में रोटियाँ बनाती हूँ। और कुछ आपको भूख तो नहीं लगी? नहीं मैम, मैंने मैक्रोनी माशाल्लाह से बहुत खाए थे अच्छे से, क्योंकि मैंने पहले मैक्रोनी बनाए थे इसलिए तो थोड़े से। अब आप मेरे को पहले सबसे बना के दो चाय, आज सुबह से चाय पी है, एक बार भी नहीं दोबारा चाय। आप मेरे को सबसे पहले बना के दो चाय, तो मैं जो है ना ज़ेनोबिया को जो है ना बोलो चाय बना दी हम मेरे लिए आप, और मैं आप खाना अगर बन गया सही, या नहीं तो आप रोटी बना लो, वो ज़ेनोबिया चाय बना के दोगे भाई हमें? है नहीं नहीं, उसे रोटियां बना दे तो आप रोटियां बना लिया, आप चाय बना लो, एक काम आप कर लो, चाय बनाती हूं मैं, इधर बना देती हूं ना। चलो जैसा आपको पॉसिबल है, वो बना रही है, मैं उधर चाय बना देती हूं।